नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा जड़ी बूटी पौधा लेकर आया हूं जिसके फायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यूं तो दोस्तों यह पौधा पूरे भारत में खाली पड़े जमीन, नदी नाला किनारे, खेत के अंदर, खेत खरियान के अंदर घास की तरह उत्पन्न होता है। और जो लोग इसे नहीं पहचानते हैं तो वह इसे घास ही समझते हैं और घास समझकर नोचकर फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों यह पौधा एक घास होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का पौधा भी है। लेकिन जो लोग इसके फायदे के बारे में जानते हैं वही इसका इस्तेमाल उपयोग कर पाते हैं रोगों पर, और जो लोग नहीं जानते हैं तो वह इसे घास फूस समझकर नोचकर फेंक भी देते हैं। तो दोस्तों यह पौधा काफ़ी नमी भूमि में अपने आप उत्पन्न होता है। यूं तो बरसात के दिनों में काफ़ी मात्रा में चारों तरफ पैदा हो जाता है और गर्मी आते आते यह पौधा पूरा सूख जाते हैं। तो देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों, इस पौधे के दो दो पत्ती आमने सामने होते हैं और उन पत्तियों के बीच में सफ़ेद सफ़ेद फूल होते हैं जो कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों इस जड़ी बूटी का नाम है मत्स्यगंधा और बहुत से लोग इसे मीनाक्षी के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से अलग अलग भाषाओं में इसके बहुत सारे नाम हैं। आप इस जड़ी बूटी, इस पौधा को किस नाम से जानते हैं हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों यह जड़ी बूटी ज़मीन में सट कर फैलता है, ज़मीन पर ही रहता है, ज़्यादा ऊँचा नहीं होता है, मात्र 1 या 2 इंच तक ऊपर आता है, या फिर आप देख लीजिए बस इसकी ऊंचाई 5 से 6 इंच तक है ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों देख लीजिए, पहचान लीजिए, यह ज़रूरत पड़ने में आपको काम आएगा। और हाँ दोस्तों, यह अक्सर आपको ज़्यादा पानी वाले क्षेत्र में ही मिलेगा जहाँ पर अधिक पानी हो, क्योंकि इस पौधे को पानी की बहुत ज़रूरत पड़ता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप इस जड़ी बूटी को पहचान चुके होंगे। तो आओ चलो अब इसके फायदे के बारे में जानें कि यह हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है। तो दोस्तों पहला फायदा इसका यह है कि आप किसी भी प्रकार के त्वचा रोग में इस पत्ती को पीस कर, इस जड़ी बूटी को पीस कर चटनी बनाकर लेप करते हैं तो वह त्वचा रोग नष्ट हो जाता है। अब त्वचा रोग में जैसे दाद है, खाज है, खुजली है, एक्जिमा है, अकवा तपरस है, तो इस तरह से जितने भी त्वचा रोग है उसमें आप लेप कर सकते हैं इसे पीस कर। और आप इसे फोड़ा फुंसी को ठीक करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर किसी का घाव है, जख्म है, फोड़ा है, फुंसी है, तो आप इस पत्ती को लेकर उड़द के दाल के साथ पीस कर इसका चटनी बनाइए। दोस्तों आप इस जड़ी बूटी के प्रयोग से फोड़ा फुंसी को भी ठीक कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई बंद मुँह का फोड़ा हो तो उसमें इसका पेस्ट लगाइए, लेप कीजिए, तो वह फोड़ा सूख जाएगा। दोस्तों इस जड़ी बूटी के उपयोग से बंद मुंह का फोड़ा 2 दिन के अंदर फूट जाता है और उसके अंदर का गंदगी, पीप मवाद और गंदा खून बाहर निकल कर वह घाव बहुत जल्दी सूख जाता है। उपयोग करने का तरीका यह है कि इसके करीबन 1 मुट्ठे पत्ते ले लीजिए, यानी 50 ग्राम तक पत्ता ले लीजिए, और उस पत्ते में आप करीबन 30 ग्राम उड़द के दाल डालकर पत्थर के सिल में पीस कर इसका पेस्ट बनाइए, चटनी बनाइए, और उस चटनी को बंद मुँह फोड़ा के ऊपर आप लगा दीजिए और 1-2 दिन छोड़ दीजिए, तो इस दवा को लगाने से बंद मुँह का फोड़ा फूट जाएगा और उसके सारे गंदगी बाहर निकल जाएंगे और वह फोड़ा सूख जाएगा, ठीक हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, जख्म के ऊपर भी अगर इसे लगाते हैं हल्दी मिलाकर तो वह जख्म भी भरने लगता है, सूख जाता है। दोस्तों यह घास बहुत ही चमत्कारी घास है, एक तरह से हमारे जीवन में यह एक वरदान की तरह है। और हाँ दोस्तों, अगर किसी भी तरीके का जहरीले कीड़े मकोड़े अगर काट ले तो आप उस कीड़े मकोड़े के जहर को भी ख़त्म कर सकते हैं इस पत्ते के लेप से। बस आपको इसे पीस कर काटे हुए स्थान पर लगाना है, तो यह विष को नष्ट करता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अच्छा रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक तत्व पाए जाते हैं जो कीड़े मकोड़े की जहर के असर को ख़त्म करने का काम करता है।
तो देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों, यह घास शायद आपके घर के आसपास में जरूर लगा हुआ होगा। और हाँ दोस्तों, इस घास के ताजे ताजे पत्तों को तोड़कर साफ कर लीजिए पानी में धोकर, और पीसकर इसका रस निकालिए 10 ml, और दही के साथ डालकर सुबह सुबह खाने से पीलिया रोग में भी फायदा होता है। इस घास को तोड़कर सूंघने से मछली के जैसा गंध आता है, महक आता है, इसीलिए इसका नाम मत्स्य गंधा है। दोस्तों, इस जड़ी बूटी में करीबन 2 प्रकार होते हैं। एक होता है इस तरह से लाल डंटल वाला, ये देखिए, ये लाल डंटल वाला होता है, और एक ये है हरा डंटल वाला। तो दोस्तों, यह जड़ी बूटी काफ़ी अच्छा जड़ी बूटी है, जो लोग नहीं पहचानते हैं तो पहचान लें। तो चलो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी लाभदायक हो, फायदेमंद हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।